देखिए फ्रेंड्स, आप लोग पूछ रहे हैं कि यूपी डीएलएड का स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। आपको जो है up.dlaed.govt ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च कर लेना है गूगल पे, देन उसके बाद इसे ओपन कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा यूपी डीएलएड एडमिशन का, इस पर क्लिक करके व्यू पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है नो योर रैंक, एंड यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा। देखिए प्रोसेस मैं आपको काउंसलिंग का भी बता देता हूँ। देखिए आज जो है ना, मतलब आज तो नहीं, अब आपका मतलब शाम तक, कल शाम तक आपका जो है 27 अक्टूबर के शाम तक आपका स्टेट रैंक जारी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो व्यू पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए इस पर जब आप क्लिक करोगे तो अभी तो नहीं आया है, आपसे लॉगिन आपको करना होगा, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। उसके बाद जब आप फिल करोगे, देन उसके बाद आपका शो हो जाएगा कैटेगरी एंड स्टेट रैंक दोनों। देन उसके बाद आपका कैंडिडेट चॉइस फिलिंग, मतलब आपका काउंसलिंग चलेगा 27 या 28 अक्टूबर से, लगभग 10 दिन तक चलेगा। उसमें आपको 5000 फीस पे करके ऑनलाइन कॉलेज चॉइस करना होगा, जिसे कैंडिडेट चॉइस फिलिंग कहते हैं। इसमें आपको मतलब कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का, जैसे आप आगरा से हो तो कानपुर का भी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज चॉइस कर सकते हो जो आपके घर के पास में पड़ता है, तो वही आपको करना है। इसमें 5000 फीस पे करना होता है। उसके बाद 10 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। इसके लिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर आपको क्लिक करके चेक करना होगा और उसके बाद उस कॉलेज में जाकर एडमिशन आपको करवाना होगा।